झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरजू राय ने गुरुवार को धनबाद के परिसदन में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक किया, जिसमें बागवारा के मुनीलाल यादव को भुखमरी की कगार पर पहुंचने के बाबत चर्चा की। बाद में उन्होंने कहा कि मामले में जांच की जा रही है, जिसके आदेश पर उक्त गरीब व्यक्ति का राशन कार्ड रद्द किया गया, किन परिस्थितियों में उसको अनाज नहीं मिल रहा था, ऐसा कैसे हुआ कि वो भुखमरी के कगार पर पहुंचा, इसकी जांच करके रिपोर्ट बनाई जाएगी और दोषियों के ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मामले पर हाईकोर्ट के द्वारा संज्ञान लेने के बाद उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सही तथ्यों से हाईकोर्ट को अवगत कराए और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए शीघ्र व्यवस्था करे। उस मामले में मैंने परसों ही रात में सेक्रेटरी को कहा था, हमारे सेक्रेटरी ने यहाँ DSO ने इनको इंस्ट्रक्शन भेजा है, इन्होंने ब्रीफ रिपोर्ट भेजी है। अभी मैंने DC को कहा है कि आप बताइए क्या क्या हुआ है। तो इसमें मोटा मोटी जो आज अखबारों में खबर आई है, सच्चाई वैसी नहीं है। उस आदमी का राशन कार्ड 2017 में रद्द कर दिया गया। तो मैंने यही जानकारी मांगा है कि किस आधार पर, किसके निर्देश पर राशन कार्ड रद्द हुआ। जब राशन कार्ड है ही नहीं तो अंगूठा मैच करना, बायोमेट्रिक्स नहीं पकड़ना, इसका कोई सवाल नहीं उठता है। तो ये एक तो है कि किस कैसे रद्द हुआ, क्यों रद्द हुआ। दूसरा, उसके बाद भी हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है पिछले साल भर से कि किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, उसके सामने भुखमरी की स्थिति है, तो मुखिया के पास 10,000 रुपया का अस्थाई फंड रखा हुआ है कि मुखिया उस पैसे से अनाज खरीदे, उसको दे। एक तरह से मुखिया के पास 10,000 रुपये का अनाज बैंक है, अगर उसमें 5,000 खर्च कर देगा तो फिर 5,000 रुपया उसके अकाउंट में चला जाएगा, हमेशा ही 10,000 रुपया रहेगा। तो इस स्तर पर क्या लापरवाही हुई है, मुखिया को सूचना मिली कि नहीं मिली, किसने दिया कि नहीं दिया। तो ये मामला एक गंभीर मामला है और ये मामला इससे जुड़ा है कि हम लोग हर महीने रांची में मीटिंग करके DSO को निर्देश देते हैं, उस निर्देश का अनुपालन सही तरीके से नीचे अगर नहीं हुआ है तो उस पर तो कार्रवाई सुनिश्चित होगी। कल मैंने 11 बजे अपने सचिव को कहा है कि मीटिंग रखिए, सारी सूचना इकट्ठा करिए और लगेगा कि जरूरी है तो एक मुख्यालय से जांच कमेटी बनाकर भेजेंगे जो यहाँ बैठ करेंगे, जिसकी जांच करेगी और जांच करने पर जिसकी भी जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था इस मामले में? कोर्ट ने संज्ञान लिया है, गंभीर मामला इसलिए कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट के पास सरकार, यहाँ के DC सही बात को रखेंगे। मेरा प्रयास यही होगा कि कोर्ट के सामने जो भी बात रखी जाए वो सही बात रखें।